आज हमारा भारत दुनिया का वो देश है जो हर साल इतनी फिल्में बनाता है जितनी दुनिया का कोई भी देश नहीं बना पाता। लेकिन एक समय ऐसा था कि भारत में जो फिल्में दिखाई जाती थी वो दूसरे देशों से मंगवानी पड़ती थी। उसके बाद भारतीय लोगों को ऐसी फिल्में देखने की आदत हो गई और फिर हमारे भारत के कुछ महान प्रतिभाशाली लोगों ने खुद ही फिल्म बनाना शुरू किया और धीरे धीरे भारत सबसे आगे निकल गया। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारत में फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई थी उसका पूरा इतिहास जानेंगे कि किन लोगों ने सबसे पहले भारतीय लोगों को फिल्म दिखाई थी, वो फिल्म किस देश से आई थी, उस फिल्म में क्या दिखाया गया था, फिर किन भारतीय लोगों ने पहले फिल्म बनाई और वो किस तरह से बनाई थी, भारतीय इतिहास की पहले फिल्म कौन सी है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आप सबने कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में सुना ही होगा, पर फैक्ट ये भी है कि कुछ लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं है और फिगर आउट नहीं कर पाते सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का या इन्वेस्ट करने का सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन। टुडे आई एम गोना टेल यू अबाउट सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन। डाउनलोड करो कॉइनस्विस कुबेर, इट इज द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अराउंड। कॉइनस्विस कुबेर सबसे सिंपल, फास्ट, सिक्योर, इजी एंड ट्रस्टवर्थी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप है इंडिया की। इवन RBI इज ऑल्सो कमिंग विद इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और काफी इजी टू यूज इंटरफेस है और आप पैसे विदड्रॉ एनी टाइम कर सकते हैं और 24/7 ट्रेडिंग कर सकते हैं और 24/7 सपोर्ट भी मिलता है आपको। द UI इज सो सिंपल एंड एज इजी एज ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करो कॉइनस्विस कुबेर, इंडिया मोस्ट ट्रस्ट वर्थी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐप, और पाओ फ्री बिटकॉइन वर्थ ₹50। इस इमेज को देखें, इसमें जो आगे वाला इंसान है वो है लुई लुमियर और उसके पीछे उसका भाई अगस्त लुमियर है। ये दोनों भाई फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने साल 1895 में फ्रांस में एक फिल्म बनाई थी द अराइवल ऑफ अ ट्रेन नाम की, और 28 दिसंबर 1995 को फ्रांस के राजधानी पेरिस शहर में एक कैफे में ये फिल्म दिखाई गई और पेरिस में सफलता के बाद इन्होंने लंदन में अपनी फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। द अराइवल ऑफ अ ट्रेन फिल्म में एक ट्रेन को स्टेशन में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा इस फिल्म में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपको हैरान करने वाली हो, बस एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। लेकिन जब यह सीन पहली बार लंदन में बड़े पर्दे पर दिखाया गया तो फिल्म के दर्शकों को ऐसा लगा कि जैसे ट्रेन पर्दे से निकलकर उनकी तरफ आ रही है और कुछ ही पल में वे उनके नीचे कुचले जाएंगे। इसलिए फिल्म की प्रदर्शनी के दौरान कुछ लोग दहशत में अपने सीट से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े थे, जबकि कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी और प्रशासन को इनकी देखभाल के लिए डॉक्टर्स को भी बुलाना पड़ा था। तो पेरिस और लंदन में सफलता के बाद इन दोनों लुमियर भाइयों ने अपनी कंपनी बनाई सिनेमेटोग्राफी नाम की, जो नाम आज भी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। फिर लुमियर भाइयों ने अपनी सिनेमेटोग्राफी कंपनी की फिल्मों को दुनिया के अन्य देशों में भी दिखाने का फैसला किया। वे अपनी बनाई हुई फिल्मों का प्रदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बॉम्बे यानी हमारा मुंबई शहर आ गया और उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना कुछ समय रुककर इस मुंबई शहर में अपनी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाए। इस कारण 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे के टाइम्स ऑफ इंडिया में एक विज्ञापन छपा जिसमें लोगों को सदी की महानतम उपलब्धि और दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार को देखने के लिए आमंत्रित किया गया। यह उस समय का विज्ञापन है। इस विज्ञापन के अनुसार शाम को 4 अलग अलग समय पर एक चमत्कार को देखने वाली जनता को एक हॉल में आने की अनुमति थी और हर एक शो का टिकट 1 रुपया रखा गया था, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। यह चमत्कार और कुछ नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में चलचित्र की पहली प्रदर्शनी थी, जिसे आज हम फिल्म के नाम से जानते हैं। तो इस शो को देखने आए लोगों को नाच गाना, बेहतरीन डायलॉग और कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। द अराइवल ऑफ अ ट्रेन, जिसमें एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकती है, बस इतना ही। क्योंकि सिनेमा के शुरुआती दिनों में ज्यादातर फिल्में एक ही घटना के बारे में होती थी और वो फिल्में उन रील्स की तरह होती थी जो प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद कई सालों तक सिनेमाघरों में दिखाए जाते थे। तो यह फिल्म मुंबई के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और कुछ दिनों बाद 14 जुलाई 1896 में ही बॉम्बे के नोवल्टी थिएटर में 3 दिनों तक इस फिल्म को दोबारा दिखाया गया
और लुमियर भाइयों ने लोगों के उत्साह को देखते हुए नोवेल्टी थिएटर में दर्शकों के लिए कुछ और नई फिल्में लेकर आए और ये सिलसिला भी बहुत लोकप्रिय हुआ। और बाद में फिल्म देखने वालों की उत्सुकता को देखते हुए फिल्मों की ये संख्या 24 कर दी गई। इसके बाद लोग इन फिल्मों को देखने के लिए नोवेल्टी थिएटर पर टूट पड़े और इस कारण इन फिल्मों के प्रदर्शन का यह सिलसिला 3 दिनों के बजाय 1 महीने तक जारी रहा। और इसी दौरान महिलाओं और परिवार के साथ फिल्म देखने आने वाले लोगों की सुविधा के लिए बॉक्स भी बनाए गए और फिल्म के टिकट की कीमत भी बदली गई और 4 आने से 2 रुपये तक की अलग अलग सीटों की व्यवस्था की गई, जिसमें 4 आने के टिकट सबसे पीछे वाली सीट और 2 रुपये का टिकट सबसे आगे बैठने वाले दर्शकों के लिए था। और उस समय में ये फिल्में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी दिखाई जा रही थी। जैसे जिस दिन इन फिल्मों का प्रदर्शन मुंबई में शुरू हुआ, उसी दिन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में भी पहली बार चलती फिरती तस्वीरें दिखाई गई। और लगभग उसी समय चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी इन फिल्मों को प्रदर्शित किया गया था। इससे पहले यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में ये फिल्में कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले ही दिखाई जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि लुमियर भाई चाहते थे कि उनका यह आविष्कार जल्द से जल्द दुनिया के सभी महाद्वीपों पर पहुंच जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरे आविष्कारक इस अवसर का लाभ न उठा ले। इसके बाद उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता भी उस आविष्कारक का केंद्र बन गया, क्योंकि अब दर्शकों को इन चलती फिरती तस्वीरों का चचका लग गया था। इसलिए कुछ ही महीने बाद 4 जनवरी 1897 में मुंबई के गेटी थिएटर में फिल्मों का नियमित प्रदर्शन शुरू हुआ और जल्द ही इन फिल्मों में नए बदलाव और आविष्कार भी किए गए, जैसे नेल्सन की मौत, यूनान और टर्की के बीच युद्ध और कुछ ऐसी फिल्में भी दिखाई गई जो भारत में ही बनाई गई थी। इस तरह से दूसरे देशों से फिल्में आती रहीं और इन फिल्मों के दर्शक ज़्यादातर अंग्रेज या वो भारतीय लोग थे जो अंग्रेजी समाज की जीवन शैली के शौकीन थे। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों पर इन फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसे ही एक स्थानीय महाराष्ट्र के रहने वाले हरिश्चंद्र सखाराम भटवाड़ेकर थे, जिन्हें आमतौर पर सावे दादा के नाम से जाना जाता है। सावे दादा पेशे से एक फोटोग्राफर थे और उन्होंने 1880 के आसपास मुंबई में अपना फोटोग्राफी स्टूडियो खोला था। लेकिन साल 1896 में जब उन्होंने लुमियर भाइयों की फिल्में देखी तो सावे दादा उनके जादू से मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत लंदन से एक मोशन पिक्चर कैमरा मंगवाया, जो अनुमानित भारतीय उपमहाद्वीप में आयात होने वाला पहला कैमरा था। यह कैमरा भारत में साल 1897 में पहुंचा और इसकी मदद से सावे दादा ने 2 पहलवानों, पंडालक दादा और मुंबई में होने वाली कुश्ती को फिल्माया और इसे प्रोसेसिंग के लिए लंदन भेजा। इसी दौरान उन्होंने एक प्रोजेक्टर भी खरीद लिया। जब कुश्ती की फिल्म लंदन से वापस आई तो उन्होंने इसका प्रदर्शन किया। इसके बाद सावे दादा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को फिल्माने का अवसर मिला। एक भारतीय छात्र आरपी परांजपे ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित में एक प्रमुख स्थान हासिल किया था और दिसंबर 1901 में जब वे भारत वापस लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और सावे दादा ने इस पूरी घटना को फिल्माया। और जब इनका प्रदर्शन किया गया तो राष्ट्रवादी भारतीय लोगों ने इसकी बहुत सराहना की। यह हमारे उपमहाद्वीप में फिल्म के इतिहास में पहले न्यूज रील थी। इसके अलावा भारत में बनने वाली पहली फिल्म एक विदेशी प्रोफेसर स्टीवेंसन ने बनाई थी। साल 1898 में बनी इस फिल्म का नाम अ पैनोरमा ऑफ इंडियन सेंस एंड प्रोसेशन था। इस फिल्म को 1899 में लंदन में भी प्रदर्शित किया गया था, जो फिल्म अभी भी ब्रिटिश फिल्म संस्थान में संरक्षित है। इसी दौरान साल 1900 में एक अन्य फिल्म निर्माता चार्ल्स पाथे ने भी भारत में फिल्म व्यवसाय शुरू किया और उनकी फिल्मों की खास बात यह थी कि इनमें भारतीय दृश्य भी दिखाए जाते थे। और चार्ल्स पाथे की सफलता को देखते हुए कुछ अन्य भारतीयों ने भी ऐसे फिल्में बनाने की शुरुआत की, जिनमें एनबी थानावाला, हीरालाल सेन और जेएफ मदन के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एनबी थानावाला ने मुंबई के दृश्यों और मैयत को ले जाते हुए लोगों का फिल्मांकन किया और उन्हें प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया। और कलकत्ता के रहने वाले हीरालाल सेन ने रॉयल बायोस्कोप के तहत 7 लोकप्रिय बंगाली नाटकों के कुछ विभिन्न दृश्यों को फिल्माया था। इन फिल्मों को आमतौर पर थिएटर में दिखाया जाता था। कभी कभी यह फिल्में नाटक और जादू के खेल के बाद विशेष आइटम के रूप में भी प्रस्तुत की जाती थी, यानी खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए।
तो बड़े शहरों में तो इन फिल्मों को थिएटरों में दिखाना संभव था, लेकिन छोटे शहरों में, कस्बों और गांवों में ये फिल्में अक्सर बगीचों और मैदानों में टेंट लगाकर दिखाई जाती थी। ये चलते फिरते सिनेमा जल्द ही पूरे भारत में लोकप्रिय हो गए। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में फिल्मों को लोकप्रिय बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जेएफ मदन ने निभाई थी, जिनका पूरा नाम जमशेदजी फ्रामजी मदन था। वे मुंबई के एक पारसी परिवार से थे और थिएटर के प्रति उनका जुनून उन्हें कलकत्ता ले गया, जहां उन्होंने कोरोनेशन हॉल में बेहद मामूली किरदारों के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और धीरे धीरे एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए। और फिर एक दिन उन्होंने वो थिएटर कंपनी को ही खरीद लिया और साल 1902 में जेएफ मदन ने फिल्म निर्माण के उपकरण खरीदे और कलकत्ता के बीच एक मैदान में अपना बायोस्कोप दिखाने की व्यवस्था की, जो फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शन के एक महान साम्राज्य की शुरुआत थी। उसके बाद न सिर्फ भारत में बल्कि बर्मा और सेलोन में भी वे छा गए और अगले 30 सालों में वे 37 सिनेमा घरों के मालिक बन चुके थे। उसी दौर में अब्दुल अली यूसुफ अली ने टेंट में फिल्म दिखा दिखा कर अपने कैरियर की शुरुआत की और 1901 से 1907 तक वो पूरे दक्षिण एशिया जैसे सिंगापुर, सुमात्रा, जावा, बर्मा और सिलोन में प्रदर्शन करते रहे और 1908 से 1914 तक उन्होंने पूरे भारत में प्रदर्शन किया। अब्दुल अली यूसुफ अली इन फिल्मों को लंदन से मंगवाते थे और एक शो में 40 से 50 फिल्में दिखाते थे। इनमें कॉमिक्स, ओपेरा, यात्रा फिल्में और खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल होती थी। उसी दौर में उन्होंने महारानी विक्टोरिया के अंतिम संस्कार और लड़ाई के दृश्यों पर आधारित फिल्में दिखाई। ये फिल्में भी बहुत लोकप्रिय हुई थी और साल 1914 में अब्दुल अली यूसुफ अली ने एक पार्टनर के साथ मिलकर मुंबई में अलेक्जेंड्रा सिनेमा खरीदा और 1918 में मैजेस्टिक सिनेमा का निर्माण किया, जहां साल 1931 में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली पूर्ण फिल्म आलम आरा प्रदर्शित की गई थी। हालांकि फिरोज रंगून वाला के अनुसार किसी एक कहानी पर आधारित भारतीय उपमहाद्वीप की पहली फिल्म पंडालक थी। इस फिल्म का निर्माण आरजी तौर ने और एनजी सत्रा ने किया था और यह महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध बुजुर्ग के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म 18 मई 1912 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में प्रदर्शित की गई थी। लेकिन कुछ फिल्म इतिहासकार पंडालक को भारतीय उपमहाद्वीप की पहले फिल्म मानते हैं तो कुछ इतिहासकार ये उपलब्धि राजा हरिश्चंद्र को देते हैं, जो पंडालक की रिलीज के लगभग एक साल बाद 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी और यह फिल्म प्रसिद्ध फिल्म निर्माता दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। तो इस तरह से भारत में फिल्में बनने की शुरुआत हुई थी। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।